नमस्कार, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में वाराणसी का जो सर्ववेद महामंदिर है दिखाऊंगा। पीछे आप देख रहे हैं जो महामंदिर है, हमें लगता है कि भारतवर्ष का बहुत ही बृहंगम ये मंदिर बनने वाला है। जो कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अंदर अभी काम चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2004 से ही इसमें काम चल रहा है और अभी चल भी रहा है। तो बहुत ही विशालतम मंदिर है और ये राजस्थान के जो लाल लाल पत्थर हैं मंगा कर लाया गया है, उनसे यह निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। तो अभी भी कुछ वर्ष लगेगा और ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए मैं आप सभी को पूरा मंदिर का विवरण बताता हूँ और बाहर से जितना हो सके संभव मैं दिखाने का प्रयास करूँगा इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। मंदिर में प्रवेश करने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ पे इसका मेन गेट है, यहाँ प्रवेश करते हैं। इसके बाद एक लेफ्ट साइड में काउंटर बना हुआ है, आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे अपना विवरण लिखना होता है, नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। ये विवरण देने के बाद ये लोग, ये स्वागत केंद्र है जो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रसाद, पानी का व्यवस्था और कुछ समय रुकने का व्यवस्था होता है, आप विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे मंदिर घूमने के लिए निकलते हैं। ये जो देख रहे हैं सेल्फी पॉइंट है, यहाँ खड़ा होने के बाद फ़ोटो लेने से पूरा बैकग्राउंड में जो मंदिर है वो अच्छे से आ जाता है, इसलिए इसको बनाया गया है। और ये मंदिर देख रहे हैं वाकई में अद्भुत है, जो वाराणसी के उमराहा में स्थित है। लगभग वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर गाजीपुर का जो मेन रोड है हाईवे, उससे सटा हुआ उमराहा है। वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर उसी उमराहा में यह सर्ववेद महामंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के बारे में कुछ विवरण बता दूँ जो वहां जाने के बाद वहां के लोगों द्वारा बताया गया है हमें, कि विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो इसके प्रणेता हैं, उन्हीं के द्वारा या उन्हीं के आशीर्वाद वचनों से ये सारा जो संस्था है वो संचालित हो रहा है। जो हिमालय की गुफा में रचित, यानी गुरु सदाफल देव जी महाराज गुफा में रचित सर्ववेद महाग्रंथ है इस संस्थान का। योग समाधि अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों की अभिव्यक्ति है जो सर्ववेद महाग्रंथ है। विश्व की इसी अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर को समर्पित है सर्ववेद महामंदिर धाम। यानी कि जो सदाफल देव जी महाराज हैं उन्हीं के द्वारा रचित सर्ववेद जो महाग्रंथ है उसी के नाम पर ये सर्ववेद महामंदिर बन रहा है उमराहा वाराणसी में। इस मंदिर के बारे में एक और तथ्य जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। वर्ष 1924 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित वित्रकूट आश्रम से आरंभ हुआ विहंगम योग संस्थान आज लाखों परिवारों का जीवन सवार चुका है। देश भर में अनेकानेक समाज कल्याण कार्य भी संचालित होता है विहंगम योग संस्थान के द्वारा। गुलाबी सैंड स्टोन एवं श्वेत मकराना संगमरमर की अद्भुत शिल्प कृतियों से आच्छादित सर्ववेद महामंदिर धाम पूरे विश्व में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसका उद्घाटन किया गया था तब पूरे विश्व में लोगों ने और पूरे भारतवर्ष में लोगों ने यह मंदिर को देखा था। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि यह हिंदुस्तान के लिए एक गौरव की बात होगा, यह मंदिर इतना अद्भुत और विशाल है कि इसको जो वीडियो में दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ये मात्र वीडियो में भर निर्भर नहीं है। इसको जब सामने यहाँ पहुँच कर देखेंगे 7 मंजिला पूरा इस मंदिर को, बहुत ही अद्भुत लग रहा है और देखने में बहुत ही विशाल काय लग रहा है। का जो ये चबूतरा है उसके बाहर बाहर ये चित्रकारी जो हम देख रहे हैं कि हाथी का, हिरण का, अन्य ऋषि मुनि संतों का जो चित्र बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, इसको देखने पर अद्भुत लग रहा है। जब ये मंदिर चारों तरफ से बनकर तैयार हो जाएगा वाकई में एक पर्यटक के लिए और लोगों के लिए एक देखने का विषय होगा। जो वाराणसी लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी, संकट मोचन आदि जगहों पे लोग घूमकर चले जाते हैं, वो अब सर्ववेद महामंदिर भी जाने का अपना विचार रखेंगे और देखने का जिज्ञासा होगा। ये देख रहे हैं जो पूरा 3D एंगल है 360 डिग्री का लेने के बाद इस तरह से मंदिर दिखाई देता है। ये मंदिर का मेन गेट है,
यहीं से प्रवेश करना है। देख रहे हैं तमाम LED स्क्रीन लगा हुआ है, मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है और क्या क्या समस्याएं आती हैं मंदिर निर्माण में, कैसा अंशदान आता है इसके निर्माण में, यदि सबकी भागीदारी या जो भी होता है सूचना ये मंदिर में प्रकाशित होता रहता है। LED जो स्क्रीन लगा हुआ है इस पर सब दिखता है। मंदिर के सामने देख रहे बहुत बड़ा स्थल है, इसको भी पूरा जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसको भी इंटरलॉकिंग कर दिया जाएगा, पूरा पत्थर से इसको भी बना दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगेगा। ये चारों तरफ देख रहे हैं हाथी का जो मूर्ति है लगा हुआ है पत्थरों पर, और मूर्तियों के सामने कि रात को जब लाइट जले तो पानी का फुहारा का भी इंतजाम किया गया है। ये चारों तरफ जो नाली नुमा देख रहे हैं इसमें पाइप लग चुका है, इसमें बिजली की भी व्यवस्था हो चुकी है, पूरा यहाँ से पानी का फुहारा निकलेगा जो रात को चकमक चकमक लाइटों में अद्भुत लगेगा इसको देखने में। वाकई में यह मंदिर बहुत ही अद्भुत है। हमें भी बहुत दिनों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हमने समय निकाल कर इस मंदिर को देखा और वाकई में बहुत ही अद्भुत और विशाल है इसको देखने में। तो अगर आप वाराणसी रहते हैं या बनारस घूमने कभी आएँ तो सर्वेद महामंदिर देखने ज़रूर जाएं। अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है और इसके मेन अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा काम हो रहा है, अगर पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा तो काम बाधित हो जाएगा और काम तीव्र गति से नहीं चल पाएगा, इसलिए उसको बंद किया गया है कि अन्य लोग न उसमें प्रवेश कर पाएँ और काम जितना जल्दी हो सके उसको समाप्त किया जाए। इस मंदिर की एक सबसे बड़ी विशेषता और भी है कि इसमें 20,000 साधकों के लिए मेडिटेशन सेंटर की भी व्यवस्था है, यानी योग साधना एक साथ 20,000 साधक कर सकते हैं, इसका पूरा व्यवस्था इस मंदिर में किया जाएगा।